الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين سورة التغابن تدوس ركوم ايمان والو بِشَكٍّ تُمَارِي अजवाज में से या तुम्हारे अजवाज में से और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं अजवाज से मुराद ये है कि आम तौर पे जो तर्जमा किया जाता है वो ये होता है कि तुम्हारी बीरियों में से औरत के लिए जो औरत का जोड़ा है जब औरत इसमें मुखातिब है तो उसका दुश्मन उसका शोर है जिस जो उससे अल्लाह की हदें तोड़वाता है और अगर मुखातब मर्द है तो उसका जोड़ा औरत है जो उससे अल्लाह का कानून तुड़वाती है यानी उसकी रजामंदी के लिए वो वो कुछ कार गुजरे जिसके करने से अल्लाह पाक ने मना की तो ये दोनों के लिए समझ लें आप बीविया नहीं शोर भी बेशक तुम्हारी अजवाज में से स्पाउस जो भी हैं उसको और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन है फायदा तो, तो उनसे खबरदार रहो <hah> ये दुश्मनी जो है ये खुली दुश्मनी नहीं यानी ये प्यार मोहब्बत में है प्यार मोहब्बत में ऐसे जैसे किसी चीज़ की ज्यादती हो जाए खाने पीने में तो वो जहर बन जाती है उसकी वजह से बंदा मर जाता है बिल्कुल इसी तरह इनका प्यार जो है वो हद से बढ़ जाए तो वो जहर बन जाता है जो अल्लाह की हदें तोड़ाए तो वो जहर है फैजा खबरदार रहो कि कहीं ये जहर ना खा लो नबी करीमलम से पाक ने फरमायान नबी और लेमा तो हरुमा नबी वो तुम क्यों हराम करार देते हो उसको क्यों हराम ठहराते हो जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है तब तगी मरदाताजवाजिक बीवियों की रजामंदी चाहिए उनको खुश करने के लिए ये है असल में चीज के इनमें से कुछ जिनसे तुम टूट कर मोहब्बत करते हो ये मोहब्बत जो है असल में हाथ से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अच्छा इसी का इसी सूरत का दूसरा जोड़ा सूरत तलाक है इन इनशिकाक पैदा हो जाए दिलों में तोड़ पैदा हो जाए तो तलाक फिर उसमें भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तलाक देनी है तुम चार दिन इकट्ठे हो कुछ यादें हैं तुमसे वाबस्ता उसको अच्छे तरीके से फार बारूफ अच्छे तरीके से उनको अपने से जुदा करो वो जहां जाए वो तुम्हें याद करे देखिए अंग्रेजों के यहां जब तलाक हो, नहीं होती है और वो फैसला कर लेते हैं कि तलाक देनी है तो वो सोचते छह महीने साल वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं जाओ भाई जाके मार्केट देखो अपनी तो अपना शोर भी अलग हो जाता है बीवी भी, भी, भी अलग हो जाती है। उन छह महीनों में या साल में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हम रह सकते हैं नहीं रह सकते माली मामला किस्म किस्म के हैं शी कैफियत क्या होगी किस तरह गुजारा करना होगा और फिर बासूरतों में पलट के आ जाते हैं वापस और बासूरतों में फिर कागजी कार्रवाई करते हैं जायदाद तकसीम होती है बच्चों का फैसला होता है पहले तलाक से कौन रखेगा रखेगा तो खर्चा कौन देगा ये सारी चीजें तय होने के हमारे यहां तलाक नहीं गाली दी जाती है वो तलाक के तौर पर नहीं देते वो तलाक गाली के तौर पर देते हैं और ये अल्लाह की हद तोड़ना है ये अल्लाह की हद तोड़ना है तलाक रखी गई है लेकिन गाली के तौर पे नहीं रखी गई दवा के तौर पर रखी गई है अच्छे तरीके से फरमाया उससे तुमने जो कुछ भी दिया हुआ है फला उसमें से तुम कुछ भी मत लो तुम किस मुंह से लोगे तुम्हें शर्म नहीं आती लूटने पर उस पर लग गया तुम ये भी छोड़ जा ये भी छोड़ जाए ये भी छोड़ जा बेमार और हम अल्लाह की हदें तोड़ते हैं इसीलिए फिर हमारे यहां वो फिर सारी परेशानियां और बाद में फिर बातें बढ़ती बढ़ती कहां तक चली जाती तो फरमाया कि इनमें से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं अगर आपका कहीं इंटरव्यू है नौकरी एम और कोई दोस्त आपको मिल जाता हो कहता है इधर आओ यार इधर आओ दोस्त इधर आओ यार बैठे उधर शेवेरे में खाना खाते हैं यार बड़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं ये पकड़ के ज़बरदस्ती आपको ले जाता है बिरयानी खिलाता है और आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका होता है और आपकी नौकरी हाथ से गई आपकी तो अब वो दोस्त जिसने आपको बिरयानी खिलाई दोस्त दिया ना तो बिरयानी खिलाई है खर्चा किया वो दुश्मन है आपका उसने आपके हाथ से वो नौकरी गंवा दी ये है फायजा रोहम खबरदार रहो अच्छा यानी जो टोन है ऐमान वालों तुम्हारी अजवाज में से तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन है उनसे खबरदार रहो तो इसके बाद हमेशा कहते हैं कि जो आयत का एंड होता है ना वो असल में अल्लाह पाक की तरफ से आ, उसका बात का अख्तामिया होता है और बहुत अहम होता है ताकि उसके पहले हिस्से से कुछ और ना समझ लिया जाए तो फरमाया व इनताफू यानी होना यह चाहिए था जो टोन है इनकी हड्डियाँ तोड़ दो इनकी चमड़ी उतार दो इनको उल्टा लटका दो इनको लित, इनको लित्रोल करो इनको फलाह करो ये होना चाहिए था ना दुश्मनी बताई गई है ना नहीं ये घर की बात है यह अजवाज की बात है यह औलाद की बात है वह इंताफू अगर तुम माफ कर तो वह तस्फ़ हो पेज पलट दो सफ़ा पलट दो देखा अनदेखा कर दो सुना सुना कर दो तक तो फेरो और पर्दा डाल दो मेघफर कहते हैं खौद को हेलमेट जो है बात के ऊपर हेलमेट रख दो फैलाओ मत ना बीवी की ना ओलाद की मैनेज करो घर को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारह बेटे थे दो अलग माँओ से थे तो बिनियामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जैनब ये एक माँ से थे और बाकी दास दूसरी माँ से थे आपस में चप थी हमेशा होती है बाप औलाद दोनों तरफ की चार बीवियों चारों की औलाद बाप को एक जैसी दिखती है लेकिन चारों की नजर में बाप जो है वो एक नहीं होता उसके चार हिस्से हुए हुए होते हैं ये कहता कि हमारा बाप बाप जो उसने बिट्रे किया गद्दारी की है उसने बेवफाई की है उसने ये हमारे ही बाप थोड़ा हमारा बाप होता तो पूरा हमारा होता ना चौथा हिस्सा है हमारा वो बात जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कही फख तो अवेरा कुम यूसुफ को या कतल कर दो या कहीं दूर जाके इसके फेंक आओ ताकि ये तुम्हारे बाप का चेहरा खाली कर दे आगे खड़ा है ये हर वक्त यही नजर आता यूसुफ ही नजर आता, आता। फेंक दिया याकूब अल्लाम को पता भाई है भाई ने फेंका है उन्होंने कहा कि भेड़िया खा गया नहीं मानने उन्हें पता था उन्होंने खाब की ताबीर बताई हुई थी बादशाह बनना है उसने नबूवत मिलनी है उसको कैसे ये मार सकते हैं पता झूठ बोल रहे हैं इतने बड़े जुर्म के बावजूद बेटे अपने पास रखे हैं अपने पास रखें घर से ही निकाले आक नहीं किए पास रखें या बुनैया या बुनैया या बुनैया खैर खाई जा रही है ऐ मेरे बेटो है मेरे बेटो ऐ मेरे बेटो गालियां नहीं दी जा भेजा है मिसर तो चूंकि कैदसाली का ज़माना था डकैतियाँ होती हटे कट्टे थे तो कहा कि तो एक एक जत्था बन के ना एक दरवाजे से घुसना लोग ये ना समझे कि वो कोई डाका डालने वाली पार्टी है अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना भाई दबे कोई एक किसी मुसीबत में पकड़ा जाए तो दूसरे दस्तियाब उसकी मदद के लिए या बना ये नहीं खैर खाई की है उनकी फिर जब पता चला बिनिया मीन के रखे रोक लिए गए

रंज और गम की कैफियत यह है कि आंखें सफेद कर दिए उन्होंने लेकिन बेटों को प्यार से बुला रहे हैं। बेटों को घर से नहीं निकाला बेटों को लान तान नहीं कर रहे और कह रहे नहीं हैं, या मेरे बेटो इज हबू फतेह ससो मी यूस जाओ कहीं यूसुफ को ढूंढो और अल्लाह की रहम से मायूस मत हो जाओ तो औलाद बुरी भी हो तो अपने पास रखो अपने साथ जोड़े रखो गालियां मत दो ताने मत दो मां बहन एक मत करो उसकी है बेटे मेरे बेटे मेरे शहजादे मेरे चांद ये थोड़ी होता कि आप देखे बंदे का कुत्ता है उसने रखा हुआ है बड़ी रखवाली करवाता उससे और बड़ा भेड़िए की नस्ल का कुत्ता है अब मेरे जहन में नहीं आ रहा खास किस्म के कुत्ते होते हैं जो फिर वो कुत्ता हल्का हो जाता है और वो उसको आक करके कुत्ते को घर से निकाल देता है मोहल्ले वालों पर छोड़ देता है ये कोई उजर है क्यौलाद जो है वो नफरमान हो गई है फलां किस्म की हो गई है और उस आपने मोहल्ले वालों पर छोड़ दिया उनको कि जाओ उनकी मां बहन तुम एक करो घर में नहीं घुसना दुनिया में तुम उसको लाए हो तुम उसे संभालो मैनेज करो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है देख लें आप अगर उनकी मुहब्बत में बाय द कोई खिलाफ वर्जी भी हो गई है तो उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि तुम ये चीजें जो है ना ता, तानजो तशनी और गाली गलोच ये बगावत पैदा करती हैं इसलाह पैदा नहीं करती बहुत ज्यादा जासूसी हमारे एक उस्ताद थे अपने इलाके की बात बताया करते थे कि बच्चा बीमार था उसके लिए कुछ सिरप लाए हुए थे खांसी का होगा या पेन किलर होगा सुबह दोपहर शाम लाना था वो दे के बीवी को तो चले गए शाम को या रात को वो वापस आए उनका के उसको लड़के को दी थी वो दवाई दी थी उसने कहा जी जबकि वो भूल गई थी उसने कहा जी दी थी देखे जो डर होता है ना वो झूठ बुलवाता है आप औलाद को डरा के रखेंगे औलाद झूठी हो गया मुनाफिक हो जाएगी बीवी को डरा के रखेंगे मुनाफिक हो जाएगी झूठ बोलेगी अगर बाई द वे वो उससे कोई गलती हो भी गई है तो गलतियां होती रहती हैं हमसे नहीं होती हमसे भी होती है। दर गुजर करना सिर्फ बीवियों का ही काम नहीं मर्दों का भी काम मर्दों वाला काम है असल में दर गुजर करना तो उन्होंने कहा अच्छा वो लेके आओ कहां है अब वो बेचारी गई और उसने वो ढूंढी उसके बाद उसको पता था कि अब ये चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि दवाई काम नहीं हुई हुई इसने कोई नहीं पिलाई और फिर वही डंडा परेड होगी उसने चारपाई के नीचे करके वो शीशी तो उसमें से अंदाजन उतनी दवाई गिरा दी वो सिरप गिरा दिया और ले आई उनके अब जाहिर है उसमें से गिराया गया है तो वो उसकी राल तो टपकी जाती है ना शीशी की पता चल जाता है कि कोई चीज अभी ताजी ताजी दवाई गिराई है या चम्मच में डाली है अब वो साहब उठे शरलाक होम्स के चचा जो थे वो गए उन्होंने वो लालटेन ली और चारपाई के एक के नीचे दूसरे उन्होंने तीसरी चारपाई के नीचे उनको मिल गई वो दवाई गिराई और सीरप इससे क्या हुआ डंडे चार मार लिए गालियां दे ली मां बहन की तो क्या दवाई बच्चे ने पी ली भूल जाता है बंदा तो ये तरीका घर बसाने वाला नहीं है वह इनताफू व तस्फाहू व तगफ फिर इन गफूर रहीम तुम देखते नहीं हो अल्लाह भी तुम्हें किस तरह लिए चल पी तो रहा है वो भी तो बखश रहा है वो भी तो रैम कर रहा है वो भी तो देखा देखा करता है वो भी तो सुना सुना करता है तुम क्या क्या नहीं करते है। वो लिए चल रहे है। वो रब्बुल आलमीन है पूरे आलम को लेकर चल रहा है तेरे वाले तो उसने एक घर किया है तू रब्बुल उसरा है जस्ट हेड ऑफ ए फैमिली बस रब्बुल आलमीन है तुझसे एक घर को लेके नहीं चला जाता एक घर को माफ नहीं किया जाता

तो कहता है भाई ये मर क्यों नहीं गया था उसी वक्त क्यों नहीं मर गया था जब ये पैदा हुआ था दोनों सूरतों ये तुम्हारी आजमाइश है जितने बच्चे दिए बीवी दी है इनको साथ रखो देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाव बीवियां तो बयाक वक्त रखी बयाक वक्त रख के दिखाई गुस्सा भी कर जाती थी रूढ़ भी जाती थी अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फिरमाया अच्छा जब तुम मुझसे नाराज होती हो मुझे पता चल जाता है उनका क्या अल्लाह के रसूल कैसे पता चलता है आग? आप फरमाया जब तुम मुझसे राजी होती हो तो कहती हो जब भी कोई कसम खाती हो तो कहती हो व रब मोहम्मद मोहम्मद के रब की कसम और जब तुम हमसे नाराज होती हो तो तुम कहती हो व रब इब्राहिम इब्राहिम के रब की कसम हजरत अशिया सदीका रजील्ला नफरमा अल्लाह के रसूल आपका नाम ही छोड़ती हूँ दिल से थोड़ी निकलते हैं आप नाराज भी होती थी जिद भी करती थी जिद्दी की वजह से अल्लाह के रसूल ससम छोड़ छड़ा के एक महीने के लिए चढ़ गए थे हुजरे में मेहराब में छत हुजरे के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्ला से आ, आ, ने से हजरत ताशा से दीकर रज वादा लिया था कि अगले रमज़ान में मैं आपके साथ मस्जिद में इतकाफ करूँ जून इजाज़त दे दी जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्ला वसम का खैमा लगा मस्जिद के सहन में तो हजरत आशा से दीकर रजील्ल्ला तक का भी लग गया दूसरी अजवाज ने जब सुना कि आयशा जो है वो हज़ूर के साथ इतकाफ़ बैठ रही है उसमें मौज होगी इसलिए कि हमारे तरह का एतकाफ़ तो नहीं होता ना कि जी वो बिल्कुल बोलना नहीं है और ऐसे परना करके रखना है और अगर कोई चीज़ पकानी है तो लिख के देना है आज वीडियाँ पकानी है बात नहीं करनी बाहर निकले हैं तो कोई बंदा मिल गया है तो उससे भी कोई बात नहीं सलाम भी नहीं करना सलाम का जवाब देना है तो दिल में देना है बल्कि और बहुत दुल्हन की तरह वो निकाल के घूंघट चलना है ताकि अगले को पता चल जाए कि इसको सप लड़ा हुआ है भाई इसके करीब से नहीं गुजरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज पता करने आती थी सलाम दुआ खैरियत पता करने के लिए इतकाफ के दौरान अल्लाह के रसूल उनको रात को घर छोड़ के आते थे घर तक छोड़ के आते थे बातचीत करते थे दर्श देते थे खैर सब ने आके खेमे लगा लिए इसलिए मैं कहता हूं कि जिद भी करती थी रश्क भी करती थी एक दूसरे की रीस भी करती थी आप निकले जब अपने खैमे से तो आपने कहा ये क्या पूरा वो तो, तो मेला लगा हुआ है भाई बस्ती बसी हुई है खेमों की उन्होंने कहा कि जी सारी अजवाज मतहराज जो है उन्होंने ला के खेमे आपने आयशा समेत सब के उखाड़ पाएंगे उठा दो उठा दी और आपने फरमाया मैं भी नहीं करता हजूर ने भी अपना खैमा उखड़वा दी क्योंकि आपने वादा किया था सित आयशा से, से कि इकट्ठे करेंगे और जब इकट्ठे मुमकिन नहीं हुआ तो आपने अपने वादे के मुताबिक फिर खुद भी नहीं किया अपना खैमा भी उखड़वा दिया अगले साल फिर हजूर ने उसकी कजा की और बीस दिन का एहतका किया सिद्ध भी करती थी ना गाली दी ना कोसा ना घर से निकाला ना मारा आपने फरमाया करीम कभी भी बीवी को नहीं मारेगा मारने की चीज है ये समझाओ समझो या अपनी अपनी बात पे कायल कर लो नहीं तो उसके मान घर का मामले इसमें इज्जत बेजती वो कहते हैं इज्जत नफ्स इज्जत नफ्स मियाँ बीवी के दरमियान क्या है भाई कोई इज्जत नफ्स नहीं है। तो एक ही जहाज के सवार हो एक डूबेगा तो वो घर डूबेगा खैर अल्लाह भी हमें लिए चलता है अल्लाह भी हमें माफ कर रहा है सुनिए सुनी, सुनी कर को औलादकू फ्रंद हुआ, हुआ जरूर नजीम के पास तुम इनको ठीक ठाक सलामत ले आओ अजवाज के हकूक अदा करो औलाद के हकूक अदा करो और अल्लाह के पास फिर इसका इनाम बहुत बड़ा है इन्हें तुम जन्नत में ले आओ हर चरवाहा शाम को जब आता है तो जो मालिक होता है वो गिनता है एक दो तीन चार पांच मैंने तुम्हें सुबह इतनी दी थी ये एक या दो बकरियां किधर गई कुल्लो को में इन तुम सब चरवाये हो तो अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें ये मासूम रूहें दी थी इतनी कहा तो अपना ही उसमें रहा और छोड़ हूं जाना में कहीं होंगी फेल हो गए तो अगर तुम उन्हें साथ ले आते मिन्नतें करके साथ ले आते अपनी को एक तरफ रख के वो जो फिरौनीयत थी उसको एक तरफ रख के बनाकर रखते उन्हें साथ लेकर चलते हमारे यहां वालदे कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि औलाद उनके मरने के बाद भी अजियत में रहती है कि हमने फिर रिएक्शन में ये क्यों किया था बाप हमारे साथ ये ना करता हम तो बच्चे थे बाप तो बाप था ना उसको तो एहसास होना चाहिए था कि मैं ये करूंगा तो लाजमन बच्चे फिर ये करेंगे और बच्चे फिर पछताते हैं हमने क्यों किया लेकिन वो उनके पास ये भी एक बुने में मजबूर कर दिया ये करने के लिए अल्लाहिंदा हुआ जरुन नजीम इन्हें ले आओ साथ किसी तरह भी तो उसका जर तुम्हें बहुत अजीम अल्लाह के फिर फ्लाह इस वस्माऊ व आती अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी भी तुम्हारी इस्तात है और सुनो और अतात करो व अनफैरन ले अनफ और माल अपने ऊपर भी खर्च किया करो औलाद की तालीम होती है इतनी फीसें होती हैं इतने अखराज होते हैं किताबें हैं गाड़ी के पैसे देने हैं बुकिंग देनी है फलां 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 करना है और अपना छोड़ जाना है कि पीछे औलाद मेरी खत्म शरीफ करेगी तू अपना खत्म शरीफ खुद क्यों नहीं के जाता अल्लाह कहता अपना ख़त्म शरीफ खुद करो जिंदगी में यतीमों को खिलाओ और नबी के पड़ोस में जन्नत पाओ अपनी कुरान खानी खुद करो और खरोज खुद पढ़ो पिछलों के पास कितना टाइम है तुम अपने बाप की कितनी करते हो जो तुम्हारी औलाद तुम्हारी करेगी कोई नहीं करता भूल जाते सर वो अनफिको खैरन खैरन से मुराद माल और खर्च करो माल ले अनफू सिको अपने लिए भी यार अपने लिए भी तुम्हें भी आख़रत में कोई घर चाहिए कि नहीं चाहिए यहां कोई बनाओगे कोई अल्लाह के लिए तो वहां बनेगा ना तुम्हारा वस्मयाऊ व व अनफिकु खैरल अनफिकनफ सी ही फाउला कमलमफ्ले हूँ जो जी के लालच से बचा लिया गया बच गया तो ऐसे ही लोग कामयाब जन हसन अगर तुम अल्लाह को कर्ज दो कर्ज हसना यानी जिसकी उम्मीद आखरत में रखो तुम तो। यानी अल्लाह के लिए जो भी खर्च करो वो कर्ज़ हसना इसलिए है कि उसकी उम्मीद तुम्हें मरने के बाद दूसरी जिंदगी में है जैसे वो बैंक वाले करते हैं ना कि ये ख़ास मद होती है जिसमें आ, फिक्स करना फिक्स डिपॉजिट मोमिन का रब के साथ फिक्स डिपॉजिट है वह इन ना तो वह फोना जूरा कुमया उमलिया हर एक जान ने मरना को नहीं कहता कि अल्लाह पाक हम नाम मरेंगे नाम आखरत में जाएंगे तो हम पैसा वहां भेज के क्या करें तुमने वहां नहीं आना है कुल्ल नफसिन जय कतुल मौत मुसलमान है काफिर है फिरौन है कारून है शद्दाद है नमरूद है जो भी है अबू जेल है उमैया है मरना ही कुल्लो उससे मौत व वह इन किया तुम्हारा मेरा कंट्रैक्ट यह है कि तुम्हें मैं क्या के दिन दू यह कर्ज तुम दे रहे हो जो अल्लाह के राह में जो भी खर्च करते हो गरीब को देते हो यतीम को देते हो मस्किन को देते हो मस्जिद में देते हो बेवा को देते हो किसी यतीम बच्ची को भी। जो भी तुम अल्लाह के राह में एक फिल्स भी खर्च करते हो कंट्रैक्ट जो है वो आखरत का।, का है, दूसरी जिंदगी का है इसलिए आखरत खर्च करने वालों के बारे में फरमान, वह बिलाखिर तुम यू के नो ये आखरत पर ईमान रखते हैं तो इनफाक करते हैं ना कौन पैसा लगाता है रिटर्न का जिसे उम्मीद ना हो वही जिसे पता है कि मरने के बाद भी मैं उठूंगा और मुझे जरूरत पड़ेगी लिहाजा वो बेचता है आगे ये इनफाक असल में ईमान बिलाखिरा को साबित करता

अल्लाह शकूर है शकूर का मतलब यह है कि वो मुसलसल कदरदान है यानी बस उस वक्त थैंक यू कह दिया और उसके बाद भूल के नहीं वो मुसलसल शकूर है ना गफूर है हमेशा बख्शने वाला हमेशा का कदरदान उसकी कदरदानी में कोई किसी किस्म का गैप नहीं मसलन एक बंदे ने एक दफा सुबहान अल्लाह कहा था और हजार जगह उसने अल्लाह के शिकवे किए जुबान दराजी की मेरे साथ ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया वो शिकवे भी तोले जाएंगे लेकिन अल्लाह पाक उसने जो एक दफा सुबहान अल्लाह कहा था ना उसकी कदर कभी भी उसकी वजह से नहीं उसका कदरदान है कि इसने एक दफा सुबहान अल्लाह भी कहा था लिख के रखा हुआ है कि यह भी तोलना है इतने इसने मेरे शिकवे किए मेरे ऊपर इल्जाम लगाए इसने लेकिन इसने एक दफा सुबहान अल्लाह भी कहा था वो भी देखा आपने वो इस उसको अभी तक संभाले हुए है उस सुबहान अल्लाह को हम क्या करते हैं किसी ने जिंदगी भर हमारी ताबेदारी की हो एक दफा उससे नाफरमानी हो जाए हम सारा पिछला उठा के उसका फेंक देते छोने का लुकमा खिलाएं आप एक दिन फाका होगा तो कहेगी कि मैंने इस घर में सुख की सांस ही नहीं ली ना शुक्र है इंसान अल्लाह शकूर है यानी वो छोटी सी नेकी को भी उसकी कदर करता है संभाल कर रखता है कयामत के दिन तुलेगी मिसकाल है जर्रा राई के दाने के बराबर सरसों के दाने के बराबर राई वो होती है जो आप अचार में डालते हैं उसके दाने के बराबर भी कलवंजी के दाने के बराबर भी राई के दाने के बराबर भी सरसों के दाने के बराबर भी उसकी कदर करता है और उसे लेकर आएगा भूलना नहीं चाहिए उसको बंदे भी इसी तरह अब बाई द वे अगर आपकी किसी के साथ चपलुश हो जाती है हो जाती है इंसान है हम लोग लेकिन कभी भी ये मत भूलें कि उस आदमी ने आपके साथ कभी कोई एहसान भी किया था मेरा आपको पता है मेरे जो सात दोस्त हैं उनको पता है कत्ल हो गए थे एक बंदे ने मेरा एक भाई अठारह साल का और एक बाईस साल का फर्स्ट कजन था वो कत्ल किए थे उस बंदे के घर बारिश अचानक आ गई तो वाले साहब ने कहा कि उसकी बोरियां गंदम की बाहर पड़ी हुई हैं उसका मकान गांव से बाहर था बिजली नहीं थी तो वो बोरियां अंदर करवा के आओ बंदा नहीं है तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठा और चला गया उसको साथ रख के उसकी बोरियां जितनी भी थी गंदम की वो अंदर रखवाई जब मैं निकलने लगा तो जूई मैंने बाहर के गेट पे के साथ उसका जो स्कून है उस पर मैंने हाथ रखा तो मुझे पता चला कि जैसे किसी ने ना कील मेरे अंदर ठोंक दिया वहां कोई बिच्छू था उसने मुझे डंग मारा और मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिच्छू लड़ा था उससे पहले कभी नहीं लड़ा था अंदाजा नहीं था क्या मैंने समझा शायद कोई यहाँ ना भेड़ वगैरह बैठी होगी तो वो मार गई लेकिन जब उसने वो ला के तो देखा और वो उसका तो डंग ही बता रहा था कि भाई ये बिच्छू ने कि इतना गहरा वो था सया हुआ वो था खैर तो चूंकि उनको ये काटते रहते थे बिच्छू वगैरह तो उन्होंने घर में इंजेक्शन रखे हुए होते थे सुलाने वाले उसने ढूंढा अपने घर में नहीं था उसके बाद वो दौड़ के गया और पड़ोस वालों के यहां से लेकर आया उसको जो अफरा तफरी पड़ी हुई थी जिस तरह उसके हाथ कांप रहे थे और जिस... मुझे यूं लगता था कि जैसे मुझको दर्द नहीं उसको दर्द हो रहा है उसने वो इंजेक्शन लगाया और फिर वो साथ ही लगा रहने दिया उसने कहा कि आप मेरी बाजू उसने बांध दिया और उसने कहा कि आप इसमें से थोड़ा थोड़ा रिलीज करते रहेंगे रात भर तो ये आगे नहीं चलेगा ये खोलनी नहीं है रस्सी आपने खैर बाद में उसने फिर हमारे कत्ल भी कर दिए लेकिन मैंने मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह पाक का मेरे ऊपर कितना एहसान है यह तहदीस नफ्स के तौर पर मैं बता रहा हूं आप तहदीस नहमत के तौर पर यह अल्लाह पाक का इतना बड़ा एहसान है कि कत्ल दो कत्ल हो गए हैं लेकिन मैं उस बंदे की वो जो अफरा तफरी थी ना उसको जो मुझे बिछू ने काटा था, था तो उस पर जो तारी थी मैं वो कभी नहीं बोला कि उस वक्त उसे मुझसे इतनी हमदर्दी थी कि उसके हाथ पांव फूले हुए थे और उसने दौड़ के मेरे लिए वो इंतजाम किया था इंजेक्शन का बाद में रंजिश हो गई कतल हो गए लेकिन मैं हमेशा मैंने उसके उस उन लम्हों की जिन लम्हों में वो मुखलस था मेरे साथ मैंने कदर की वो एक लम्हे के लिए मेरे दिल से वो गायब नहीं हुई ग्यारह साल केस लड़ाए मुझे सुलह पर मजबूर करने के लिए पैदर पे पै मेरे ऊपर पाकिस्तान में जितनी दफात हैं डकेती समेत मुसल्ला डकेती घर के बाद फायरिंग घर में घुसकर हमला करना चाकू मारना अगवा बरए तावा सारे पर्चे करवा दिए गए ताकि मुझे सुलह पर मजबूर किया जाए वो सब मैंने भुगते उसके बावजूद उस बंदे की वो नेकी मैं नहीं भूला कि इसने मेरे लिए भाग दौड़ करके तो वो बिच्छू हालांकि मैं उसके घर उसी का काम करने गया था और फिर फांसी से कुछ घंटे पहले सदर ने भी रिजेक्ट कर दी दो दो हमने रिव्यू पटिशन में भी गए वो भी हमारे हक में हो गए सदर ने भी रिजेक्ट कर दी डेथ वारंट जारी हो गया और फिर आखिर जब चंद घंटे रहते थे तो मैंने सुलह कर लिया ये अल्लाह पाक के कर्म के सिवा मुमकिन ही नहीं है कि किसी बंदे का दिल इतना बड़ा हो कि वो किसी की जरा सी नेकी को भी जाया ना होने दे ये औलाद के साथ करें आपकी औलाद भाई दबे अगर आपके खिलाफ भी हो गए तो कभी आपके साथ भी थी कभी आपके गले में लटकती थी कभी आपके कंधों पर बैठा कर आपको कुछ भी याद नहीं